हेलो दोस्तों, मैं आपको मैसेज करता हूँ। भाइयों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज हम उस टॉपिक पे बात करने वाले हैं बेसिकली, जो बहुत बेसब्री से मुझे भी इंतज़ार था और आप सभी को, कि भाई T4 अनलॉक के लिए सबसे पहले बात कर लेते हैं T4 अनलॉक होते कैसे हैं, उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या है, उसके लिए मतलब क्या क्या आपको चाहिए होगा, आपको कौन कौन सी रिसर्च करनी होगी। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, मतलब ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो इसीलिए मैंने दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया। एक कंबाइंड वीडियो भी डालूंगा, उसको बेसिकली मैं एक मतलब फास्ट फॉरवर्ड करके डालूंगा, तो इसीलिए आप तीन वीडियोस अपलोड होंगे इस पर T4 पे। तो चलिए अभी हम बात कर लेते हैं कि भाई T4 अनलॉक करने के लिए सबसे पहला चीज़ होता है कि रिक्वायरमेंट क्या क्या है। आप पहले हमारा माइट देख लीजिए, 90.6 मिलियन अप्रॉक्स है, मतलब 90 मिलियन अप्रॉक्स मान लीजिए माइट हमारा। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि भाई T4 अनलॉक के रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। सबसे पहले आपको, हम मिलिट्री ट्री में बात करें तो सबसे पहले ऊपर के सारे रिसर्च, मतलब ये जितने भी हैं ट्रीज़, ये पूरा 10-10-10 होना चाहिए। आर्मी ऑफेंस 10 होना चाहिए और आर्मी हेल्थ हेल्थ मैक्स एचपी भी 10 होनी चाहिए, आर्मी डिफेंस भी 10 होना चाहिए। अब बात करें इकोनॉमी, तो भाई इकोनॉमी के लिए आपको ये मतलब इतने सारे, मतलब ये देख लीजिए आप, ये पूरा इकोनॉमी मैक्स होना चाहिए रिसोर्स हार्वेस्टिंग तक। जब हार्वेस्टिंग ना भी करें तो चलेगा। तो इस वीडियो को बेसिकली मैं इसलिए बना रहा हूँ कि भाई देखो, हम पे टेक्नोलैब्स टोकन है, तो भाई इस मतलब इसके ऊपर मैं तीन चार वीडियो डालूंगा कि भाई टेक्नोलैब्स कितने लगेंगे अगर आप T4 अनलॉक करना चाहते हैं। तो भाई देखो, सबसे पहले मेरा ऊपर का रिसर्च ट्री आप देख सकते हैं, जो मतलब रेंज इन्फेंट्री ऑफेंस है सब 10 है। तो इसमें अगर आप, इसमें मतलब आपको अगर टेक्नोलैब यूज़ करने थे तो इसमें 9 टेक्नोलैब्स, मतलब 8 टेक्नोलैब्स पर रिसर्च कंप्लीट करने के लिए थे। जी हाँ बिल्कुल, 8 टेक्नोलैब्स। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि हमें बाकी टेक्नोलैब्स कितने कितने लगेंगे। देखिए, अगर हमें इन्फेंट्री डिफेंस को लेवल 10 ले जाना है तो 6 टेक्नोलैब लगेंगे। एंड टेक्नोलैब्स का भाई देखो, रिसर्च गियर वगैरह से कोई लेन देन नहीं है, रिसोर्स से भी कोई लेन देन नहीं है इनका, ये इंडिविजुअली यूज़ करे जा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं बेसिकली एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा जिसमें मतलब मैं बता दूंगा कि टेक्नोलैब्स कितने लगेंगे अगर आपको T4 अनलॉक करने हैं। तो फूड हार्वेस्टिंग को अगर आपको इसको कंप्लीट करना है तो इसमें 3 टेक्नोलैब इसमें लगते हैं, और वॉलेट मैनेजमेंट में 2 टेक्नोलैब्स। बाकी सबको हमें पहले ऊपर के कंप्लीट करने होंगे, देन पता लगेगा। तो अभी अगर हम रिसर्च मिलिट्री ट्री में बात करें तो डिफेंस में 6 टेक्नोलैब, 6 टेक्नोलैब ईच के लिए लगेंगे 6 टेक्नोलैब, और इन्फेंट्री हेल्थ 10 ले जाने के लिए इसके बाद ही हमें पता लगेगा। बाकी हाँ, आर्मी ऑफेंस आप देख सकते हैं कि आर्मी डिफेंस में 8 टेक्नोलैब्स लगते हैं इस रिसर्च को कंप्लीट करने के लिए लेवल 9 के लिए। तो भाई इससे आपको क्या होगा, एक आइडिया लग जाएगा कि आपको कितने टेक्नोलैब्स लगेंगे ओवरऑल T4 अनलॉक करने के लिए। तो चलिए अभी हम प्रोसेस, भाई मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि T4 बहुत दिनों से मतलब पेंडिंग है। तो बेसिकली देख लो भाई, मेरे को कितना टाइम लगा है, कंसिक्यूटिव लॉगिन्स 123 डेज, अप्रॉक्सीमेटली 2 मंथ्स ये हो गए। और इस अकाउंट पे मैं मतलब पहले भी थोड़ा बहुत खेलता था, तो अप्रॉक्सीमेटली मान के चलो, अगर मैं F2P, मतलब पहले F2P था बट अब थोड़ा पे टू पे हो गया हूँ, मतलब अब मैं थोड़ा इन्वेस्ट करता हूँ, तो अप्रॉक्सीमेटली मैंने जो इन्वेस्ट किया है भाई, अगर आपको मैं एक आइडिया दूँ, आपको अगर आइडिया चाहिए तो उसके लिए एक मैं वीडियो बना दूंगा पूरा प्रॉपर कि आपको कितने खर्च कर रहे होंगे पैसे और कितनी जल्दी ये खुलेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भाई इकोनॉमी ट्री में हमारे कितने टेक्नोलैब्स लगेंगे अगर हमें सब रिसर्च को लेवल 10 ले जाना है। भाई कंस्ट्रक्शन में आपका टेक्नोलैब लगता है 3, कंस्ट्रक्शन लेवल 10 के लिए 3 या 2 टेक्नो, हाँ 2 टेक्नोलैब्स कंस्ट्रक्शन ट्री स्पीड में लगेंगे। तो भाई अब फूड हार्वेस्टिंग की बात कर लेते हैं, जो सबसे पहले हम अपना ऑन गोइंग स्पीडअप लगा करके इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, देन हम बात करेंगे बाकी चीज़ों पर। 8 दिन, जैसे कि आप देख सकते हैं 10K जेम्स लग रहे हैं। बेसिकली मैं चाहता नहीं था कि भाई इसमें जेम्स इन्वेस्ट करूँ, बट एज़ यू नो कि एक्साइटमेंट इतना हो जाता है कि भाई नहीं रह जाता। तो भाई T4 अनलॉक के लिए एक्साइटेड मैं भी बहुत ज़्यादा हूँ, आप देख ही सकते हैं कि भाई T4 देखो, अभी हमारा T4 मतलब खुला नहीं है, तो भाई काफ़ी एक्साइटमेंट है। आर्मी ऑफेंस 10 ले जाना है तो बहुत ही ज़्यादा अभी मतलब है इसमें काम। तो चलिए अभी हम बात कर लेते हैं, इस रिसर्च को हम कंप्लीट कर लेते हैं स्पीड अप मतलब जेम्स करके। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट, जैसे कि आप देख सकते हैं इसी के साथ हमारा मतलब 24 आवर चैलेंज एंड सोलो चैलेंज भी कंप्लीट हो गया। बेसिकली मतलब मैं आज चैलेंज वगैरह के लिए तो मेरा ये वीडियो नहीं है, बट करना है तो करना है भाई आज। तो चलिए इसे कलेक्ट कर लेते हैं। तो अभी हम बात कर लेते हैं सबसे पहले इकोनॉमी में हमारे कितने टेक्नोलैब्स लगेंगे। अब ये देखिए,
स्टोन में भी तीन टेक्नोलैब्स, इन सब में तीन टेक्नोलैब्स लग रहे हैं। और इसका रिसर्च गियर से मैं आपको दिखा देता हूँ, कोई लेन देन नहीं है। ये देखिए रिसर्च गियर मैंने लगा दिया अभी, अब देख लेते हैं जा करके। तो भी तीन टेक्नोलैब्स हैं, और जैसे कि आप देख सकते हो वॉलेट मैनेजमेंट दो टेक्नोलैब्स हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली मेरा जो कैलकुलेशन था उसके अकॉर्डिंग ये काफ़ी सही है, मतलब अभी तक। तो चलिए अभी हम परचेज़ कर लेते हैं। तो भाई देखो रिसोर्स वगैरह की कुछ ज़रूरत नहीं है। तो चलिए मेन मुद्दे की वीडियो अपनी शुरू कर देते हैं। तो भाई वो वीडियो देखो दो हिस्सों में होगा। फर्स्ट होगा हमारा इकोनॉमी में, देन सेकेंड हिस्सा होगा हमारा मिलिट्री के लिए। तो वीडियो को हमने इस तरीके से डिवाइड किया है कि भाई आपको पूरा कैलकुलेशन एक समझ आ जाए। और एक वीडियो अगर आप मैं पूरा प्रॉपर डाल दूंगा कि भाई कितने टेक्नोलैब्स टोकन लगेंगे आपको फुल T4 अनलॉक के लिए। जी बिल्कुल। तो अभी हम चलते हैं इकोनॉमी में। तो वॉलेट मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले दो टेक्नोलैब यूज़ कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं दो टोकन से वॉलेट मैनेजमेंट 10 कंप्लीट हो गया है। और आप माइट गेन भी देखते रहिएगा, 90.6 के अप्रॉक्स था और 91 मिलियन पहुँच चुके हैं हम। तो अभी हम बात कर लेते हैं वेट गेनिंग के लिए। भाई इसके लिए तीन टेक्नोलैब्स लगेंगे, तो चलिए इसको भी कंप्लीट कर देते हैं। ये हो गया हमारा पूरा रिसर्च ट्री ये वाला कंप्लीट। तो अब हम बात कर लेते हैं कि भाई इकोनॉमी में मतलब और कितने, अभी तक हमने मतलब पांच टेक्नोलैब यूज़ कर लिया है। तो चलिए स्टोन हार्वेस्टिंग तीन टेक्नोलैब्स यूज़ होंगे, एंड टिम्बर हार्वेस्टिंग इसमें भी तीन टेक्नोलैब्स यूज़ होंगे, और हार्वेस्टिंग मेटल ये भी तीन टेक्नोलैब्स। तो भाई अब तक माइड गेन देख लो 93.5 मिलियन पहुँच चुके हैं अप्रॉक्सीमेटली विद इन 10 सेकेंड कह लो या 20 सेकेंड्स। भाई देखो मतलब 3 मिलियन के अप्रॉक्स गेन कर चुके हैं हम अब तक। तो रिसोर्स हार्वेस्टिंग में तीन टेक्नोलैब इसमें भी लगेंगे। 25 दिन की रिसर्च है भाई, इसीलिए कह रहा हूँ टेक्नोलैब्स मस्ट हैं, आप परचेज़ करिए भाई। 25 दिन वेट कर करके मतलब आप करते ही रह जाएंगे। तो ये भी हो गया कंप्लीट। तो इसी के साथ हमारा हो जाता है इकोनॉमी का फुल मैक्स ट्री। अभी हमने माइट गेन कितना किया है, अप्रॉक्सीमेटली 94 मिलियन, मतलब 3 मिलियन के अप्रॉक्स हमने माइट गेन कर लिया है। तो इकोनॉमी में हमारा ये हो गया कंप्लीट हिस्सा, एंड जेम हार्वेस्टिंग भी चार टेक्नोलैब्स के साथ कंप्लीट हो जाएगी। तो इकोनॉमी हमारी हो गई मैक्स। तो भाइयों अब इसके लिए मतलब आपको नेक्स्ट वीडियो देखना होगा, मतलब कि और कितने टेक्नोलैब्स यूज़ होंगे T4 अनलॉक के लिए। तो चलिए भाइयों अभी इस वीडियो को हम यहीं पर ही ख़त्म करेंगे, देन हम बात करेंगे बाकी वीडियो के लिए। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।